नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार कोचिंग सेंटर से रूबरू मैं आपको करवा रहा हूँ कि कौन से कोचिंग सेंटर में किस तरह की शिक्षा जो है वो आपको प्रदान की जाती है। तो इसी संदर्भ में आज मैं एक नए कोचिंग सेंटर के अंदर पहुँचा हूँ जिसका नाम है एकलव्य कोचिंग क्लासेस सिरसा। तो इस कोचिंग सेंटर में मैं पहुंचा हूं एकलव्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के अंदर। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार का स्टडी मटेरियल जो है वो एकलव्य कोचिंग क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। एड्रेस की अगर बात करूं तो बस स्टैंड के बिल्कुल सामने इसका कोचिंग क्लासेस जो है, अगर बात करूं तो सवेरा रेस्टोरेंट जो है वो बिल्कुल उसके ठीक सामने, नेशनल कॉलेज के बिल्कुल नज़दीक जो है इस सेंटर का जो एड्रेस है वो है। अगर आप किसी भी तरह की कोई डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर जो है वो एकलव्य कोचिंग क्लासेस का दिया हुआ है, आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब कोचिंग से रिलेटेड एकलव्य कोचिंग क्लासेस को लेकर के और अधिक जानकारी क्या कुछ है, किस तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, कब शुरू किया गया था, कितने सिलेक्शन हो चुके हैं और अब तक जो है वो कितने स्टूडेंट्स को शिक्षा जो है वो ये सेंटर प्रोवाइड करवा रहा है, क्या ये ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, वो तमाम बातें जो हैं वो आज हम जानेंगे। डायरेक्टर जो हैं एकलव्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, अजय गोदारा जी। अजय जी, अगर बात करें तो एकलव्य कोचिंग क्लासेस कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा यहाँ पर आने के लिए। हमारा जो कोचिंग क्लासेज है वो चार फरवरी 2021 से शुरू किया गया था जी। उसके बाद हम निरंतर क्या है बच्चों को क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग क्लासेज है लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम बच्चों को फ्री में मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा जो मकसद है भी बच्चों को जो कंटेंट है ना वो कंप्लीट कंटेंट मिले, ये ना हो कि कुछ आधा अधूरा बच्चों को ज्ञान दिया जाए और उसके बाद बच्चों को भटकाव का स्थिति में पहुंचना पड़े, अलग अलग कोचिंग सेंटरों में घूमना पड़े, ये चीज़ ना हो। बच्चों को कंप्लीट क्या है सिलेबस करवाया जाए, जितने भी 13 से लेकर 14 सब्जेक्ट HSSC के अंदर आ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट 0 से 100 तक करवाने की कोशिश है हमारी और हम इस प्रयास के अंदर निरंतर क्या है सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि जितने भी हरियाणा के अंदर हमारे जो कोचिंग एकेडमी के बाद जो टेस्ट हुए हैं उनमें से 75 से लेकर 90 क्वेश्चन तक आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। जितना भी हम क्या है बच्चों को खुद भी नोट्स तैयार करवाते हैं क्लासेस के अंदर और बच्चों को रिटर्न बुक्स और नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। जब आपने कोचिंग शुरू किया था फरवरी 2021 में, यानी कि अभी तक आपको अगर बात करें तो 6-7 महीने हुए, तो जब शुरू किया था तब बच्चे कितने बच्चों के साथ आपने शुरू किया था और आज स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है? माँ सरस्वती की कृपा से हमने जी पहले दिन 40 बच्चों के साथ शुरुआत की थी आज है वो तादाद 900 से लेकर 1000 बच्चों तक है। ठीक है। और इसके अंदर हमने जो हमारी पहला ही सिलेक्शन जो पहली गुड़िया थी हरियाणा पुलिस के अंदर जो पहला एडमिशन था उसी का क्या है हमने एकता नाम की लड़की है जंडवाला से उसका सिलेक्शन दिया जी। ठीक है। अब तक की अगर बात करें तो टोटल कितने सिलेक्शन आपकी इस एकेडमी दे चुकी है? अलग अलग सर 4-5 सिलेक्ट हो चुके हैं बच्चे, क्योंकि बीच में जो सिलेबस पूरे होने से पहले ही क्या हुआ था बीच में कोरोना काल भी आ गया था, एग्जाम का बच्चों को शेड्यूल सही नहीं मिला क्योंकि HSSC के द्वारा कभी महीने बाद, तो वो कोशिश रही थी भी 25 दिन के अंदर भी सिलेबस करवाने की कोशिश करते हैं, वो भी सक्सेस रहा। और जैसे जो हमारा है ना कोचिंग का शेड्यूल वो रहता है जी लगभग 3.5 महीने में हम कंप्लीट कोर्स करवाते हैं, एक बार सिलेबस करवाते हैं, उसके बाद 25 से 30 दिन के अंदर उसको रिवाइज करवाया जाता है, फिर उसके बाद बच्चों से रेगुलर जैसे एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो टेस्ट लिए जाते हैं 15 से 20, ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़ ना रहे। कल को जाकर बच्चों में दिक्कत क्या आती है, एग्ज़ाम के दौरान बच्चे क्या कर देते हैं जो क्वेश्चन तो सही टिक करते हैं लेकिन OMR शीट में गलत फिल कर देते हैं, तो वो कमियां दूर यहीं पर की जाती है बच्चों की, ये हमारा मेन मकसद है। और इसी के दौरान हमने क्या कर रखा है प्रत्येक महीने के प्रथम शनिवार को सभी बच्चों के लिए, कोई भी एकेडमी का बच्चा है चाहे वो लाइब्रेरी के अंदर है चाहे वो कहीं भी तैयारी कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो अपनी तैयारी टेस्ट कर सकता है चेक कर सकता है। इसके लिए प्रत्येक महीने के पहले शनिवार को जी प्रतियोगी प्रतीक्षा आयोजित करते हैं, उसके दौरान क्या है जो बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है नगद 1100 रुपये
पहले बच्चे को, सेकंड बच्चे को 900 रुपये, फिर 700 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये और 100 रुपये, ताकि बच्चे का क्या है हौसला बना रहे उसके लिए। और जो गरीब बच्चे हैं उनको भी थोड़ी आर्थिक रूप से क्या मिल जाए, सहायता मिल जाए इसी के द्वारा। अब अगर बात करें तो गरीब बच्चे जो आते हैं, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कहता है कि इंटेलिजेंट है, लेकिन कोचिंग की फीस भरने में वो सक्षम नहीं है, तो उन बच्चों के लिए क्या कोई खास ऑफर? बिल्कुल ऑफर है जी। अगर कोई बच्चा जो घर की स्थिति है उसकी, वो फीस नहीं दे पा रहा, तो वो टेस्ट दें। अगर वो टेस्ट के अंदर 60 या 70% तक वो पहुंचता है, उसकी योग्यता है, वो पहले डेमो लगाए उसी के हिसाब से उसका टेस्ट लिया जाएगा, अगर वो उसको पार करता है तो उसको फ्री कोचिंग दीजिए। ठीक है, अब डेमो क्लासेस की बात आती है, कोई बच्चा कहता है कि मैं डेमो क्लासेस लेना चाहता हूँ, तो डेमो क्लासेस कौन कौन से डे को आपके यहाँ पे रहती है और कितने समय की रहती है? 3 से 4 दिन की रहती है जी डेमो, और प्रत्येक महीने के अंदर 2 बैच शुरू किए जाते हैं, उनमें बच्चा आकर डेमो लगा सकता है। हमारा ये भी ऑफर है, भी बच्चे क्या कहते हैं, समस्या ये रहती है भी टीचर बदल जाते हैं बार बार एकेडमी के अंदर, ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों के अंदर, तो उसके लिए हमने निपटारा कर रखा है। हमारा जो पूरा स्टाफ है ना, जो वेल क्वालिफाइड है, जैसे हिस्ट्री के मैडम हैं तो एस्टेट क्वालिफाई है, पॉलिटिकल के मैडम हैं, मैथ वाले सर हैं, ज्योग्राफी वाले सर हैं, साइंस वाले सर हैं, कंप्यूटर वाले मैडम हैं, रीजनिंग वाले मैडम हैं, खुद मैं हरियाणा जी के करवाता हूँ, तो सभी जो स्टाफ है, इंग्लिश वाले मयंक सर हैं जो ऑनलाइन भी करवाते हैं दुरीना ऐप के अंदर, तो वो हैं, वो ऑफलाइन क्लासेस देते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा जो आपको एक नंबर का स्टाफ मिलेगा जी। ठीक है, अब अगर बात करें, क्योंकि आपने स्टाफ की बात करी, तो फैकल्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो फैकल्टी में आपके पास कितने जो लोग हैं, क्या क्या बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, कितने लोगों का स्टाफ आपके कोचिंग? 10 से 11 लोगों का स्टाफ है जी, जो प्रत्येक सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं जी। और अभी जो हमने जो ग्राम सचिव और पटवारी के लिए बैच शुरू कर रखा है जी, जो आगामी 1 महीने 1.5 महीने के बाद पेपर है, तो उसके लिए बच्चों को क्या कर दिया, बच्चों की ये समस्या रहती है भी सर हमारा सिलेबस कैसे पूरा होगा, तो उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ भी आपका सिलेबस हम 1.5 महीने में कम्प्लीट करवा देंगे, साथ साथ में टेस्ट भी ले लेंगे। उसका रीजन क्या है कि बच्चों को जो अदर कोचिंग सेंटर है उसमें क्या मिलती है, 3 से 4 क्लासें मिलती हैं, हम बच्चों को सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक 8 क्लासें प्रोवाइड करवाएंगे और उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। और हमारा जो मकसद रहता है वो जो पेपर है ना, पिछले पेपर उनके एनालाइज के हिसाब से ही हम क्या करवाते हैं, बच्चों को तैयारी करवाते हैं, ये नहीं भी कोई टॉपिक उठा लिया उसको पढ़ा दिया, जो पेपर के अंदर आ रहे हैं, पीछे पेपर के अंदर आए हैं, वो ही चीज़ें करवाई जाती हैं। अभी जो बच्चों के डाउट थे भी हरियाणा जी के नहीं आई थी हरियाणा पुलिस के अंदर, मेल कॉन्स्टेबल के अंदर, तो वो बड़ी दुखद बात थी बच्चों के लिए, तो उसके अंदर भी अगर हरियाणा जी के आती तो बहुत अच्छा कंटेंट रहता, अभी भी बच्चों के है वो 55+ नंबर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कंटेंट रहता है, हम कोशिश करते हैं 80 से 90 नंबर आने की, उसके अंदर क्या है जो हरियाणा जी के नए आने की वजह से 70 से 75 क्वेश्चन ही हमारे आ पाए हैं, उसमें से ही 8-10 बच्चों के ऐसे हैं भी जिनमें 55 से लेकर 60 तक क्वेश्चन ठीक हुए। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर और सारी बातें करेंगे, तो अगर आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगातार दे रहा हूँ, तो उस नंबर पर आप कॉल करके एकलव्य कोचिंग क्लासेज के बारे में जो भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं हासिल कर सकते हैं। अगर आप डेमो क्लासेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ करके आप डेमो क्लास लगा करके अगर आपको पसंद आता है तो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप किसी सेंटर में जा करके अपना जो पढ़ाई का कार्य है वो सुचारू रूप से कर सकते हैं। अब अगर बात करूं तो महज 6-7 महीनों के अंदर 4-5 सिलेक्शन देने की बात एकलव्य कोचिंग के डायरेक्टर के द्वारा कही गई है, और लगभग 900 से 1000 स्टूडेंट के यहां पे होने की बात जो है वो कही गई है, तो ऐसे में अगर बात करूं तो कोरोना काल के दौरान जो है वो कुछ कमियां रह गई थी, कुछ इतना ज़्यादा जो है वो अगर बात करें तो एकदम से उठाव कोचिंग क्लासेस जो है वो नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद दिन प्रतिदिन तरक्की जो है वो ये कोचिंग क्लासेस करता जा रहा है। खैर आप आकर के एक बार यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, विजिट करने के बाद आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और एकलव्य कोचिंग क्लासेस को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आप से अनुरोध कि एक बार विजिट जो है वो इस कोचिंग में आकर के जरूर कीजिएगा, और ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों माध्यम से यहाँ पे पढ़ाई जो है वो आपको करवाई जाती है। YouTube चैनल पे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लगती है और ऑफलाइन क्लासेस जो है वो क्लासरूम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।